कराची सफाई मिशन का आगाज। अली जैदी की शहरियों से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल तर्क करने की अपील। कहा पहले मरहले में नाले साफ किए जाएंगे, दूसरे मरहले में कचरा उठाने का काम किया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, शहर को साफ करके सब एक पेज पर आएंगे। अमनो अमान के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। पुलिस एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों पर यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले खानदानों का ख्याल रखेंगे। विफाकी हकूमत ने पुलिस को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन सिंध हकूमत ऐसा नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस के शुहदा को सलाम। हम सलाम पेश करते हैं बहादुर सिंध पुलिस के शुहदा को, अपने मेहनत से, अपने बहादुरी से और अपने शहीदों के लहू से। इन्होंने इस सूबा में अमन कायम किया है। हकूमत का जिम्मेदारी होता है कि मजलूम का मदद करना, कमज़ोर का मदद करना। हमें अपने शहीदों के वर्षा का ख्याल रखना है। हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि हम उन शहीदों के खानदान का ख्याल। दोहा में अमरीका तालिबान मुजाकरात कामयाबी की राह पर। अफगान हकूमत ने भी टीम तश्कील दे दी। अम समझौता 13 अगस्त तक होने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बादल बरसेंगे। डीजी खान का लाद डिवीजन में भी बारिश होगी। कराची में बादल और सूरज, आंख मचोली के लिए तैयार। मवेशी मंडियों में रश, किसी को बकरा लेना है तो कोई बैल की तलाश में। व्यापारियों ने भी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। खरीदार कीमत कम कराकर ही जानवर ले जाने पर बसे। अमनो अमान के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। पुलिस एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों पर यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले खानदानों का ख्याल रखेंगे। विफाकी हकूमत ने पुलिस को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन सिंध हकूमत ऐसा नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस के शुहदा को सलाम। हम सलाम पेश करते हैं बहादुर सिंध पुलिस के शुहदा को, अपने मेहनत से, अपने बहादुरी से और अपने शहीदों के लहू से। इन्होंने इस सूबा में अमन कायम किया है। हकूमत का जिम्मेदारी होता है कि मजलूम का मदद करना, कमज़ोर का मदद करना। हमें अपने शहीदों के वर्षा का ख्याल रखना है। हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि हम उन शहीदों के खानदान का ख्याल। दोहा में अमरीका तालिबान मुजाकरात कामयाबी की राह पर। अफगान हकूमत ने भी टीम तश्कील दे दी। अम समझौता 13 अगस्त तक होने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बादल बरसेंगे। डीजी खान का लाद डिवीजन में भी बारिश होगी। कराची में बादल और सूरज, आंख मचोली के लिए तैयार। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यौम आजादी मनाने के लिए तैयारियों में तेजी आ गई। मुल्क के तूलो अर्ज पर सब्ज पर लहराने लगे। बाजारों में झंडे, झड़ियों और बैजेस के फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। कराची सफाई मिशन का आगाज। अली जैदी की शहरियों से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल तर्क करने की अपील। कहा पहले मरहले में नाले साफ किए जाएंगे, दूसरे मरहले में कचरा उठाने का काम किया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, शहर को साफ करके सब एक पेज पर आएंगे। अमनो अमान के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। पुलिस एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों पर यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले खानदानों का ख्याल रखेंगे। विफाकी हकूमत ने पुलिस को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन सिंध हकूमत ऐसा नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का सिंध पुलिस के शुहदा को सलाम। हम सलाम पेश करते हैं बहादुर सिंध पुलिस के शुहदा को, अपने मेहनत से, अपने बहादुरी से और अपने शहीदों के लहू से। इन्होंने इस सूबा में अमन कायम किया है। हकूमत का जिम्मेदारी होता है कि मजलूम का मदद करना, कमज़ोर का मदद करना। हमें अपने शहीदों के वर्षा का ख्याल रखना है। हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है
कि हम उन शहीदों के खानदान का ख्याल। दोहा में अमरीका तालिबान मुजाकरात कामयाबी की राह पर, अफगान हुकूमत ने भी टीम तश्कील दे दी, अमन समझौता 13 अगस्त तक होने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बादल बरसेंगे। डीजी खान का लाद डिवीजन में भी बारिश होगी, कराची में बादल और सूरज आंख मचोली के लिए तैयार। मवेशी मंडियों में रश, किसी को बकरा लेना है तो कोई बैल की तलाश में, व्यापारियों ने भी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, खरीदार कीमत कम कराकर ही जानवर ले जाने पर बसे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, यौमे आजादी मनाने के लिए तैयारियों में तेजी आ गई, मुल्क के तूलो अर्ज पर सब्ज पर लहराने लगे, बाजारों में झंडे झड़ियों और बैजेस के फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। अब बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। कराची के इलाके नाजमाबाद में कुर्बानी के 6 बैल क्रेन के जरिए छत से उतारे गए, बच्चों समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। बड़े सींग वाले ये भारी भरकम जानवर कब से घर की छत पर पल रहे थे, इस रिपोर्ट में जानिए। आसमान से परियां उतरने की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आसमान से बैल उतरने का नजारा कभी कभार देखने को मिलता है। इन मोटे ताजे बैलों को देखने वालों का हुजूम लग गया। नाजमाबाद के रहायशी एजाज नामी शहरी ने पूरा साल इन जानवरों को घर की छत पर बड़े नाजो नखरे से पाला। मैं इसी तरह ये जानवर पालता हूँ, माशाल्लाह 6 जानवर पाले मैंने और 4 बैल ही पालता हूँ मैं, और वैसे जानवर भी होते हैं, पिछले साल मैंने 9 जानवर पाले थे। घर वालों की भी बादल और बादशाह से मोहब्बत काबिले दीद है, कहते हैं जानवर पालना बहुत पसंद है, इसलिए पूरा साल इनका ख्याल रखा। हमने बहुत देखभाल की थी, इनको अच्छे से अच्छा गजा खिलाई थी, जब अबू नहीं होते थे तो इनकी देखभाल हम करते थे। 12 मन वजनी बादशाह और दीगर भारी भरकम जानवर क्रेन के जरिए जब नीचे उतरे तो देखने वाले भी हैरत ज़दा रह गए। कराची की मवेशी मंडी में संडे को फंडे मनाया जा रहा है और खरीदारी भी जारी है। छुट्टी का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अली रजा भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह यहां पर शहरी मौजूद हैं और क्या खरीदारी भी कर रहे हैं जानवर की या सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं सुपर हाईवे मवेशी मंडी के मुख्तलिफ जो है उधर मौजूद हूँ, जहाँ पर संडे के दिन जो है पिकनिक पॉइंट बना लिया है इस जगह को। बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं, फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं, कुछ नौजवान निकले हुए हैं, मुख्तलिफ लोग जो है इधर, 2 किस्म के लोग हमने देखे हैं, कुछ जानवर खरीदने आए हैं और कुछ जो है वो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए हैं। इधर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, खरीदारी हो चुकी है या अभी तक विंडो शॉपिंग ही चल रही है? नहीं, अभी तक विंडो शॉपिंग ही चल रही है, बट आज संडे था तो इसलिए मतलब सब भाव को इतने दिनों से कह रहे थे कि बहुत, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आए हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे जानवर हैं, भाई वगैरह आते थे यहाँ तो अक्सर मैंने कहा बाबा आज मैं भी जाऊँगी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट अभी तो विंडो शॉपिंग ही चल रही है हमारी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की तरह इनकी भी अभी विंडो शॉपिंग चल रही है और उम्मीद है कि इनको भी जो है अच्छा जानवर मिल जाएगा, जिस तरह दीगर लोग जो हैं वो तलाश करें अपने अपने जानवर। ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। कराची के इलाके नाजमाबाद में कुर्बानी के 6 बैल क्रेन के जरिए छत से उतारे गए, बच्चों समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। बड़े सींग वाले ये भारी भरकम जानवर कब से घर की छत पर पल रहे थे, इस रिपोर्ट में जानिए। आसमान से परियां उतरने की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आसमान से बैल उतरने का नजारा कभी कभार देखने को मिलता है। इन मोटे ताजे बैलों को देखने वालों का हुजूम लग गया। नाजमाबाद के रहायशी एजाज नामी शहरी ने पूरा साल इन जानवरों को घर की छत पर बड़े नाजो नखरे से पाला। मैं इसी तरह ये जानवर पालता हूँ, माशाल्लाह 6 जानवर पाले मैंने और 4 बैल ही पालता हूँ मैं, और वैसे जानवर भी होते हैं, पिछले साल मैंने 9 जानवर पाले थे। घर वालों की भी बादल और बादशाह से मोहब्बत काबिले दीद है, कहते हैं जानवर पालना बहुत पसंद है, इसलिए पूरा साल इनका ख्याल रखा। हमने बहुत देखभाल की थी, इनको अच्छे से अच्छा गजा खिलाई थी, जब अबू नहीं होते थे तो इनकी देखभाल हम करते थे। 12 मन वजनी बादशाह और दीगर भारी भरकम जानवर क्रेन के जरिए जब नीचे उतरे तो देखने वाले भी हैरत ज़दा रह गए। कराची की मवेशी मंडी में संडे को फंडे मनाया जा रहा है और खरीदारी भी जारी है। छुट्टी का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद है।
हमारे नुमाइंदे अली रजा भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और क्या खरीदारी भी कर रहे हैं जानवर की या सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं सुपर हाईवे मवेशी मंडी के मुख्तलिफ जो है उधर मौजूद हूँ, जहाँ पर संडे के दिन जो है पिकनिक पॉइंट बना लिया है इस जगह को। बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं, फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं, कुछ नौजवान निकले हुए हैं, मुख्तलिफ लोग जो है इधर, दो किस्म के लोग हमने देखे हैं, कुछ जानवर खरीदने आए हैं और कुछ जो है वो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए हैं। इधर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, खरीदारी हो चुकी है या अभी तक विंडो शॉपिंग ही चल रही है? नहीं, अभी तक विंडो शॉपिंग ही चल रही है, बट आज संडे था तो इसलिए मतलब सब भाव को इतने दिनों से कह रहे थे कि बहुत, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आए हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे जानवर हैं, भाई वगैरह आते थे यहाँ तो अक्सर मैंने कहा बाबा आज मैं भी जाऊँगी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट अभी तो विंडो शॉपिंग ही चल रही है हमारी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की तरह इनकी भी अभी विंडो शॉपिंग चल रही है और उम्मीद है कि इनको भी जो है अच्छा जानवर मिल जाएगा, जिस तरह दीगर लोग जो हैं वो तलाश कर रहे हैं अपने अपने जानवर। ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।